Assalamualaikum, welcome to KooKingK.com. आज हम बना रहे हैं एगलेस बनाना पैनकेक्स. तो चलें देखते हैं हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है. यहाँ पर मैंने दो अदद बनाना ले लिए हैं, एक गिलास मैंने यहाँ पर फुल फैट मिल्क ले लिया है, एक तिहाई कप मैंने यहाँ मैदा लिया है, एक चौथाई कप मैंने यहाँ पर गंदम का आटा ले लिया है, एक चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, एक चौथाई चाय का चम्मच नमक, एक चाय का चम्मच वनीला एसेंस और दो खाने के चम्मच चीनी ले ली है. तो सबसे पहले हम बाउल में ऐड कर देंगे मैदा, साथ इसमें डाल देंगे गंदम का आटा, नमक डाल देंगे, चीनी शामिल कर देंगे, बेकिंग पाउडर डाल देंगे और एक विस्कर की मदद से इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि मेरी डेली आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके. इसके बाद हम बनाना को एक कांटे की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे. तो यहाँ बनाना अच्छे से मैश हो चुका है. अब हम इसमें वनीला एसेंस डाल देंगे, साथ ही इसमें दूध शामिल कर देंगे और एक विस्कर की मदद से इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे. अच्छे से विस्क करने के बाद इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट शामिल कर देंगे और इसे भी विस्कर की मदद से अच्छे से विस्क कर लेंगे. तो बैटर हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है, इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे. अब हम एक पैन में 2 चम्मच के करीब बैटर डाल देंगे और इसे थोड़ा सा फैला लेंगे. अब इसे हम 1 से 1.5 मिनट के लिए पकने देंगे. जैसे ही टॉप पर बबल आएंगे हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड को भी 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे. तो यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं और पैनकेक दोनों तरफ से तैयार है. बाकी के तमाम भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे. तो लीजिए पैनकेक्स तैयार हैं. आप इसे चॉकलेट सिरप, हनी और मेपल सिरप के साथ सर्व करें और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.